हेलो एवरीवन, ड्यू एलएलबी सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हैं, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के एग्जाम्स जो हैं वो 19 दिसंबर से स्टार्ट है। तो यहाँ पे इस वीडियो में आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ जो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगी, और साथ ही साथ जो अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो पहली बार दे रहे होंगे, या तो आपने हो सकता है ग्रेजुएशन में दिया हो और अब इसमें दे रहे हो, तो मैं आपको आज एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम पैटर्न के साथ साथ यहाँ पे पूरी डिटेल बताऊंगी। तो इससे रिलेटेड मॉक टेस्ट जो हैं वो हो चुके हैं, एक शायद एक 10 तारीख को था और एक आज 16 को भी था। तो यहाँ पे अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं तो स्टिल यहाँ पे कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, आपने नहीं दिए तो आपको ऐसे नहीं डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले आपको करना क्या है। तो सबसे पहले मैं जैसे जैसे एग्जाम प्रोसेस होता है उसके साथ साथ मैं आपसे थोड़ा थोड़ा सिलेबस और किस आंसर को किस तरह से अटैम्प्ट इस बारे में भी बात करूंगी। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आपको पोर्टल, आपको जैसे लॉगिन करते हो बिल्कुल वैसे ही लॉगिन करना है आपको। फिर उसके बाद जब टाइम पे क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, और उसके बाद आपको अभी मैं बीच का पार्ट भी डिस्कस करूंगी। तो जैसे आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करा और आप लिखोगे, लिखने के बाद आपको डेफिनेटली हर आंसर की एक एक पीडीएफ बनानी है, और यहाँ पे आपको फ्रंट पेज से फर्स्ट आंसर में लगाना है। फर्स्ट आंसर इट मीन्स मान लीजिए जैसे 6 में से आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, तो आप पहले जो है सेकंड क्वेश्चन कर रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन आप करोगे ही नहीं, तो कोई सा भी आंसर आप जो पहला लिखोगे सिर्फ उसी पे आपको फ्रंट पेज अपलोड करना है, और फ्रंट पेज में जो डिटेल्स दी गई हैं सिर्फ वो डिटेल्स ही आपको लिखनी है। उसके बाद आपको अपना नाम, अपना सेंटर नहीं लिखना है। ये स्पेसिफिकली वीडियो डी यू एल एल बी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है। और इसके साथ ही यहाँ पे आप एक चीज़ और देखोगे, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्वेश्चन पेपर को किस तरह से डील करना है, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके के आपको आंसर करने हैं। तो ये तो पूरा प्रोसेस ये अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको जैसे कि गिवन टाइम 4 बजे का है, 10 बजे आपको क्वेश्चन पेपर आएगा, 10 बजे से आप क्या करोगे 2 बजे तक आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। अगर आप 2 बजे तक अपलोड नहीं कर पाते हो, आपके पास कोई इस तरह के सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो ऐसे केसेस में आप 3 बजे तक भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना आपके क्या रीजंस है। और इसके साथ यहाँ पे अगर आपको तब भी अपलोड नहीं होता है तो आप यहाँ पे 3 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में भी अपलोड ईमेल के थ्रू भेज सकते हो, लेकिन उसमें आपको एक अंडरटेकिंग अपने आंसर के आगे लगानी होगी, और वो अंडरटेकिंग आप हर आंसर के आगे ही लगाइए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि ईमेल में आप अलग अलग आंसर भेजोगे, एक ही ईमेल में अलग अलग आंसर्स भेजोगे, तो आप हर आंसर के आगे अपनी अंडरटेकिंग लगाना। और इसके साथ ही यहाँ पे जैसे कि आप क्या करोगे कि ईमेल करने के बाद अपने जो भी आपका रीज़न है उस वैलिड रीज़न को आप क्या करना उसमें मेल में सब कुछ बता देना। तो इसके साथ कोशिश ये करना कि आप 2 बजे तक ही अपलोड कर दो उससे पहले, क्योंकि ये सबसे ठीक होता है, आपको कोई टेंशन नहीं होती और यहाँ पे आपको इतने देर में पेपर हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर किस तरह से आएगा, किस तरह से उसको डील करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके लिए देखना ज़रूरी है। अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं देखा है ओबीई का तो आप देख लो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने सारे सब्जेक्ट के दे दिए हैं। और इसके साथ अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर लेना चाहो क्वेश्चन आंसर के, उसमें ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है, जो स्टूडेंट्स डीयू दिल्ली में रहते हैं तो वो ऑफलाइन जाके भी ले सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मतलब एक बार उसको देख लो अगर आपको ज़रूरत लगे तो। यहाँ पे अब इसके साथ जैसे कि हम जुरिसप्रूडेंस की पहले बात करते हैं, ज्यूरिसप्रूडेंस एक थ्योरी वाला पेपर है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ज्यूरिसप्रूडेंस की जब हम बात करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो घुमा फिरा के बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि अब जैसे कि ऑस्टिन और केल्सन की अगर हम बात करें तो ऑस्टिन और केल्सन ऐसे हैं जो आपके पूरे 25-25 नंबर में डेफिनेटली आते ही हैं। तो इस तरह के आप तैयार तो सारा करो, लेकिन आपको 6 में से 4 अटैम्प्ट करने हैं। तो जैसे कि फर्स्ट यूनिट जो आपकी होती है लीगल सिस्टम पे, उस पे से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है 25 नंबर का। उसके बाद जैसे कि आपका लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंस जो है, ये दोनों तीन ऑप्शन होते हैं, 3 में से 2 अटैम्प्ट करने दो और वो 25 नंबर के होते हैं। तो यहाँ पे बाकी के जो नीचे के ज्यूरिस्ट हैं वो भी आपस में मिला के, जैसे कि 25 में 2-2 ज्यूरिस्ट मिला दिए, उसमें से 2 ज्यूरिस्ट आपको करने हैं।
यहाँ पे आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो आप अपने टाइम मैनेजमेंट उसी हिसाब से करें। और थ्योरेटिकल पेपर में क्या होता है कि आपको मे बी आप तो जैसे कि थोड़ा सा क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा फैक्ट डाल दे, लेकिन ज्यूरिसप्रूडेंस में ऐसा नहीं करते। ज्यूरिसप्रूडेंस में मोस्टली क्या होता है कि आपको टू द पॉइंट ही वो उसमें पूछा जाता है कि आपको ये थ्योरी बतानी है, वो थ्योरी बतानी है। तो ज्यूरिसप्रूडेंस का यहाँ पे काफी हद तक वो भी सिंपल आता है। तो आपको अपने केसमेट या आप जो भी बुक रेफर कर रहे हो, आप क्या करोगे, लैपटॉप पे कोशिश करना केसमेट खोल के रखो हर सब्जेक्ट का। और इसके साथ आप जो भी बुक हो आप उसमें आपको पढ़ा हुआ एटलीस्ट मार्क तो हर चीज होनी चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ है, एंड वक्त पे ऐसा ना हो कि आपको ढूंढना पड़े। तो ये थ्योरेटिकल पेपर तो आप ऐसे ही अटेम्प्ट कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे आप नॉर्मली अटेम्प्ट करते हो वैसे आप थ्योरेटिकल पेपर अटेम्प्ट करो। लेकिन अब यह बात आती है कि जब हम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि टॉट, आईपीसी आपके बाकी सब्जेक्ट्स में आते हैं, तो आईपीसी कॉन्ट्रैक्ट और ये हमारा होता है फैमिली, ठीक है। ये इस तरह के पेपर हैं जिनमें आपको क्या करना होता है कि सेक्शंस, टॉट में सेक्शन नहीं है, टॉट में थ्योरी है। पहले मैं आईपीसी कॉन्ट्रैक्ट और फैमिली इनकी रिगार्डिंग बात करती हूँ, फिर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी कि आपको टॉट का किस तरह से करना है। तो जैसे कि जो फैमिली रिलेटेड, फैमिली कॉन्ट्रैक्ट और आईपीसी के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें डायरेक्ट किसी केस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि एमएच जॉर्ज है, एमएच जॉर्ज विच इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, तो इसके फैक्ट दे दिया आपको और फिर बोल देगा आपको डिसाइड करो, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक है, लेकिन अब ओबी कई बार हो चुका है, तो मे बी वो आपको डिसाइड करने के साथ साथ कोई थ्योरी पूछ ले या दो तीन पार्ट में क्वेश्चन पूछ ले। तो मैं एक सच एज ए एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ कि जैसे इस तरह का क्वेश्चन आएगा डिसाइड करना, या किसी सेक्शन पे आ गया, मर्डर पे आ गया, तो आपको क्या करना है, आपको सेक्शन डिफाइन करना है। सबसे पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद आप सेक्शन को बताओ, उस सेक्शन के साथ जो भी आपके लीगल प्रोविजंस उसमें लग रहे हैं वो सारी लीगल प्रोविजंस आपके लिए बताना जरूरी है। लीगल प्रोविजंस आप पूरा बेयर एक्ट कॉपी मत करना, बेयर एक्ट कॉपी करने का कोई फायदा नहीं है। अगर बेयर एक्ट ही उनको कॉपी करा हुआ चाहिए तो टीचर्स डेफिनेटली वो बेयर एक्ट ही देख लेंगे, आपकी कॉपीज क्यों देखेंगे। आप उसमें क्या करो, आप उसमें जैसे कि जो भी कर रहे हो आप उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स बताओ, उसको अपने थोड़ा लैंग्वेज में कन्वर्ट करो, बिल्कुल डायरेक्ट कॉपी मत करो। मतलब बेयरेट की वर्ड किस तरह से होनी चाहिए, जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो आप वहां से देखो। और इसके साथ ही यहाँ पे जैसे कि आप प्रोविजंस आपने पूरे बता दिए, और प्रोविजंस के साथ साथ आप यहाँ पे क्या करो कि प्रोविजंस बताने के बाद आप ये बता सकते हो कि जो आप इसमें डायरेक्ट, उसके बाद हमें केसेस रेफर करने होते हैं, बट केसेस रेफर करने से पहले या केसेस रेफर करने के बाद आप जो क्वेश्चन में केस पूछा गया है इससे रिलेटेड अगर कोई लीगल इशू आपको लग रहा है बन रहा है तो आप वो लिख सकते हो। अदरवाइज आप प्रोविजंस के बाद क्या कर सकते हो, आप उसमें क्या कर सकते हो, केसेस लिखो। केसेस मिनिमम दो तो आप लिखो, दो तीन, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा केस लग रहा है। आप जो केस लिखोगे उसके साइटेशन उसके साथ जरूर लिखना, और केस जो आप मेंशन करोगे, जो मेजर केस मेंशन करोगे, उस केस को आपको दो तीन पार्ट में लिखना है। जैसे कि आप जो केस मेंशन करोगे इसमें आप उसमें केस का केस के थोड़े से फैक्ट बताने जरूरी होते हैं। समटाइम्स टीचर कहते हैं कि फैक्ट की हमें जरूरत नहीं है, कुछ टीचर्स कहते हैं फैक्ट की जरूरत, फैक्ट थोड़े से लिखो। तो ओवरऑल ये है कि अगर आप थोड़े से फैक्ट लिख देते हो अपनी लैंग्वेज में तो वो अच्छा वर्क करेंगे, थोड़े फैक्ट जरूरी होते हैं। उसके बाद आप लीगल इशूज लिखो, लीगल इशूज के बाद आप दोनों पार्टीज के कंटेंशन लिखो। कंटेंशंस लिखने के बाद यहाँ पे कंटेंशंस, अगर आपको ये देखना जरूरी है कि किस केस में कंटेंशंस बतानी जरूरी है और किस केस में कंटेंशंस बतानी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप इस चीज को देखिए। और इसके साथ कंटेंशंस के साथ आप यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन और डिसीजन वगैरह है वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे जब आप इसको बता देंगे, फिर उसके बाद आप अपना जो भी आपका इवेल्युएशन है, इवेल्युएशन पार्ट आप लिखो पूरा, आपको जो उसका पूरा प्रॉब्लम को आप सेक्शन के साथ डील करके लिखो, सेक्शन के साथ डील करके लिखो, केसेस के साथ डील करके लिखो, और जो कॉन्क्लूजन लिखो, कॉन्क्लूजन बहुत छोटा होना चाहिए, 4-5 लाइन, जितना मतलब रीजनेबल है। ऐसा नहीं है कि आप एक एक पेज का कॉन्क्लूजन बना दो। तो कुल मिला के इस तरह से आप ये एक, मैं एक एग्जाम्पल की तरह बता रही हूँ हल्का सा, आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके इसको आप करना। तो मेरा कुल मिला के पर्पस ये है कि इस तरह के क्वेश्चन को आप किस तरह से डील कर सकते हो। आप इसमें जब इवेल्युएशन में, या कई बार अब ऐसा होगा कि ओबी अगर इतना सिंपल उन्हें नहीं बनाना होगा तो वो आपसे उसके साथ उसकी रिस्पेक्टिव थ्योरी भी पूछ लेंगे, या कुछ और भी चीज वो मिला के पूछ लेंगे। तो आपको सारे केसेस पता होने चाहिए, केसेस के फैक्ट पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको केसेस के फैक्ट नहीं पता होंगे तो आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये जो क्वेश्चन आया है ये कौन से केस से रिलेटेड है।
तो आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, आप सारे केसेस आपको पढ़े हुए होने चाहिए. एटलीस्ट ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए 5-7 यूनिट है, तो आपको 6 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो आप एक दो यूनिट छोड़ सकते हो. लेकिन आप एक ही यूनिट छोड़ना, ज्यादा मत छोड़ना, क्योंकि वो ऐसा भी कर देते हैं कि क्वेश्चन को कोलैप कर देते हैं. एक क्वेश्चन एक यूनिट के साथ दूसरी यूनिट अगर रिलेटेबल है तो कई बार थोड़ी थोड़ा उसमें मिला के पूछ लेते हैं. तो आप पूरी तरह से कुछ मत, अब इसके साथ जब उसके बारे में पता हो, आपने इस तरह से रखा इसको, आप पढ़ के सारा तैयार रखना. अभी भी मैं कह रही हूँ केसेस पता होने चाहिए, जिस केस में जो सेक्शन लग रहा है फिर वो सेक्शन आपको समझ आना चाहिए. अब यहाँ पे ये आपके ये तीनों आप इस तरह से डील करोगे. अब जो टॉट है आपका, टॉट में आपको थ्योरी लिखनी है. टॉट में समटाइम्स टू द पॉइंट आपसे थ्योरी पूछ लेता है कि आप राइलैंड के जो राइलैंड वर्सेस फ्लेक्चर है या स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पे केस है, ठीक है, तो ऐसे केसेस आपसे डायरेक्ट वो पूछ लेगा. तो आपको उसमें थ्योरी पर भी उतना फोकस करना है, और उतना ही फोकस आपको किस पे करना है, उतना ही फोकस आप करोगे केसेस पे, ठीक है. टॉट में यहाँ पे जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, और वो कई बार मेडिकल नेग्लिजेंस से भी रिलेट करके पूछा जाता है. तो आपको मेडिकल नेग्लिजेंस से आप उसको रिलेट करके बता सकते हो अगर क्वेश्चन आता है तो. क्वेश्चन आप सफिशियंट टाइम होता है, आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है. ध्यान से पढ़ने के साथ साथ जो चीज़ें उसमें पूछी गई हैं, आप उन चीज़ों को यहाँ पे क्या करो, अच्छी तरह से बताना. मे बी पॉसिबिलिटीज है कि अब क्वेश्चन में सिंपल डिसाइड नहीं पूछेगा, हो सकता है कि एक दो चीज की थ्योरी पूछ ले या 2-3 पॉइंट पूछ ले, बट डिफिकल्ट नहीं होगा. ट्रस्ट मी, आप बहुत इजीली कर पाओगे अगर आपको केसेस की थ्योरी पता है और उसके सेक्शंस आपको समझ में आए हैं. तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास स्कोर अच्छा करने की, क्योंकि ओपन बुक में स्कोर काफी अच्छा हो जाता है. तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है. अब इसके रिगार्डिंग मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि आपको पेज लिमिट लिमिट तक रखने हैं. मैं ये कहूंगी आप ज्यादा कम भी मत करना पेजेस, कि आप 5-6 लगाओ, ऐसा मत करना, क्योंकि आपके पास सफिशियंट टाइम है. तो आप 8 पेजेस जो है, अगर आप 6 से कम मत करना. मतलब आपका ये तो खैर अपने ऊपर है कि आप कितना लिख पाते हो, बल्कि आप कोशिश करो कि हर आंसर में एटलीस्ट 6 पेज लिखो. और इसके साथ साथ ऐसा होता है ना कि एंड के आंसर में हम इतना ज्यादा नहीं लिख पाते हैं, टाइम नहीं बचता. आपको ओपन बुक है तो आप टाइम मैनेज करके हर आंसर को इक्वली करना. ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये बताने वाली नहीं है, बट बस ये है कि बहुत ज्यादा पेजेस भी मत लिखना. 15-15 पेजेस, 12-12 पेजेस, ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं. तो बाकी आपके डिस्क्रिप्शन है. ये थोड़े सा मतलब मेरे को गाइड करना था तो मैंने आपको थोड़ा सा गाइड किया है. अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप